खगड़िया सदर के विधायक छत्रपति जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई मनोहर यादव जी, कलाली के विधायक राम वृक्ष सदा जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई चंदन यादव जी, विभूति बोर्ड से सीपीएम के विधायक भाई अजय जी, सीपीएम के पूरी फ्रेम के सदस्य कॉमरेड अशोक नामले जी, सीपीआई के जिला सचिव प्रभाकर जी, हम लोगों की पार्टी की विधान परिषद की सदस्य उर्मिला ठाकुर जी, सिवनी बख्तियारपुर से विधायक भाई यूसुफ जी और यहाँ मौजूद राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम वाले आम आदमी पार्टी के सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग अभिभावकों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, यह चुनाव एक ऐसे मोड़ पर हो रहा है जब आए दिन हमारे देश को एक न्याय से संचालित करने वाले संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की लगातार बयानबाजी मौजूदा हुकूमत के बहुत सारे नेताओं की तरफ से होती रहती है। हम मंच पर उपस्थित अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि पूरी शांति बनाए रखें। जो आपको सुनने के लिए आए हैं वो कितने मर्यादित तरीके से और गरिमामय ढंग से आपको सुनना चाहते हैं। बात जल्द आपके बीच बिहार के यशस्वी नेता प्रतिपक्ष और नए बिहार के रचना के अग्रदूत भाई तेजस्वी यादव जी तशरीफ लाने वाले हैं। हम सब उनको सुनने के लिए आए हैं। यह कोई मामूली चुनाव नहीं है। आपको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों से जिस तरह से हमारे मुल्क की रूह को नोचा खसोटा लूटा गया है उससे लोग परेशान हैं। 16 लाख करोड़ रुपये उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया गया लेकिन किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसलिए हम लोगों की पार्टी ने और सभी पार्टी ने अलग अलग जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उन सबका नब्बे जवाब यही है, यह देश किसानों और मजदूरों का मुल्क है, यह देश को उद्योगपतियों का नहीं है जिस पर मेहरबान हो सकता। इसलिए आप भाई संजय जी को अगर यहां से जिताकर भेजते हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में तो आपको मालूम है कि हम लोगों का जो गठबंधन है उसने कई बार इस देश को एक साफ सुथरी सरकार दिया। जब जब हम इकट्ठे हुए हैं चाहे 1989 हो, 1996 हो, 2004 हो, हमने केंद्र में सरकार बनाई है और गरीब वर्गों की प्रतिष्ठा को पुनर्बहाल किया है। और इसके बाद किसी पार्टी के नेता ने कोई भी प्रतिष्ठा जो घोषणा पत्र की थी उसको एक बार फिर से लोगों के बीच उसकी साख को स्थापित किया। जो जो वायदे हमने 2020 में किए थे एक एक करके सबको 17 महीने में पूरा किया। आपके बीच सब कुछ है, अलग से हमें कुछ नहीं करना, लेकिन 17 महीने के अंदर 4.5 लाख से ज्यादा नौकरी और ये कोई पकौड़ावादी मॉडल वाला नहीं, ठोस लालूवादी मॉडल की स्थायी नौकरी अगर देने का श्रेय केंद्र को जाता है तो वो तेजस्वी यादव जी को जाता है। आपके बाल बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे स्कूलों के प्रति आकर्षण को दोबारा 1994 के बाद लौटाने का श्रेय अगर किसी को जाता है सवा 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए तो तेजस्वी यादव जी को जाता है। और नई आईटी पॉलिसी, नई पर्यटन नीति, नई स्पोर्ट्स नीति लेकर तेजस्वी जी इसलिए आगे कि यहाँ के नौजवानों को यही रोजगार मिले, किसानों की बहाल हालत को हम ठीक कर सके। इसलिए भारत में हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, ये हम लोगों का संकल्प है। और इसीलिए यहाँ सभी पार्टियों के नेताओं की एक बात रखी आपसे है कि आप लोग हसिया हथौड़ा छाप कर
बटन दबाकर भाई संजय जी को दिल्ली पहुंचाए और खगड़िया लोकतांत्रिक धरती रही है, समन्वय की धरती रही है। और इनके पिताजी भी आज से योगेंद्र जी विधायक हुआ करते थे, उनका काम आप सबने देखा है। सभी पार्टी के लोग इस बात को लेकर संकल्पित है कि हमारी सरकार बनेगी तो सत्ता के गलियारे में दिल्ली में कोई भी दलाल बिचौलिया मरता हुआ नजर नहीं आएगा। और हमने ये करके दिखाया, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, सबको हमने एक प्रतिष्ठापूर्ण जिंदगी देने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों ने ये भी वायदा किया है आपसे कि हम पूरे देश के अंदर जातिवार जनगणना कराकर हर जाति समूह मजहब के लोगों को उनका उचित हक दिलाएंगे। हम मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करने का काम करेंगे। और इतना ही नहीं, हमने ये भी आपसे वायदा किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद न सिर्फ हमारे देश के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है उसको सुधारेंगे, गरीब परिवार की महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हम देंगे ताकि वो भी इज्जत के साथ जी सके। और यही आपसे अपील करते हुए कि आप लोग इस महागठबंधन की चट्टानी एकता को कायम रखेंगे और एक राष्ट्रीय युवा आयोग बनाकर नौजवानों को जो पकौड़ा बेचने पर मजबूर कर रही है सरकार, उसको उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में आप फेंकने का काम करेंगे। संजय कुशवाहा जी को भारी बहुमत से आप जिताकर दिल्ली भेजें ताकि 24 की लड़ाई तय कर दे कि 25 में बिहार की बात को तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर आप सौंपेंगे और बिहार की दशा और दिशा बदलेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। महागठबंधन जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, दीपांकर येचुरी जिंदाबाद, बी राजा जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, खगड़िया की महान जनता जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।